सर मैं एज ए सेल्स कोऑर्डिनेटर जॉब करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम, एज अ और सेल्स कोऑर्डिनेटर, सेफ कोऑर्डिनेटर, सेल्स कोऑर्डिनेटर सर, सेल्स कोऑर्डिनेटर, ओके। और कैसा, शेयर मार्केट से मैं काफी इयर्स से जुड़ी हुई हूँ, और कोरोना के बाद से मोस्टली मैं मतलब कॉन्टिनेशन में ही हूँ। अच्छा, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स की सेल्स हैं, क्या है ये सेल्स और सर मार्केट मूड कैसा है, इसलिए मैं जानना चाहता था। जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ वो एक सोलेनाइट वॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। राइट सोलमनाइज्ड वॉल मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या होता है? सर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ऑयल गैस जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनके फ्लो को कंट्रोल करने का एक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। तो ये तो बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग हो गई। या बी हाँ, टू बी। तो मूड सेंटिमेंट समझ में नहीं आएगा मुझे। ठीक है, आप अपना पहला सवाल पूछो। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इज माई ट्रिप पे है, मेरे पास 570 शेयर्स हैं 51.50 के रेट से। और ये क्यों लिया था कविता मैम हमने, लॉन्ग टर्म के लिए या कभी ट्रेडिंग वेडिंग का मन आ गया था? नहीं सर, मैं मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग प्ले करती हूँ, और ये दैट टाइम मैं मतलब नियर अबाउट 1 ईयर हो गया मुझे ये शेयर लिए हुए, और ये बोनस के टाइम के शेयर्स मेरे पास पड़े हैं और ये स्विंग मेरे ख्याल से 70-75 पे भी ले गया था इस स्टॉक को। सर। उसी के टाइम पे ही ये स्प्लिट होते होते बोनस में एवरेज करते करते मेरा 51 का एवरेज है अभी राइट नाउ। तो आप स्विंग को बेसिकली आप मोमेंटम को प्ले करते हो, राइट राइट। तो जब मोमेंटम को प्ले करते हो तो कोई स्टॉप लॉस तो लगाते हो कि आई एम बट श्योर, फिर क्यों? नहीं सर, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाती, मेरा ये रहता है कि अगर मार्केट मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि थोड़ा डाउन जा रहा है तो मैं वहां एवरेज करके निकल जाती तो लूजिंग ट्रेड को एवरेज कर रहे होते हैं हम लोग इस केस में, है हूँ। ना? नहीं सर ऐसा नहीं है, ये फंस गया है कुछ एक दो ट्रेड जो लास्ट 1 ईयर अदरवाइज से। राइट स्ट्रेटेजी वर्क कर रही थी, यहां पे मामला गड़बड़ा गया। राइट राइट सर, ये ठीक, 1 ईयर से ना बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है शेयर। जिसने जिस चीज पे मास्टर कर रखा है, ठीक। तो इजी ट्रिप पे मामला गड़बड़ा गया। आस्था, अब आपका फंडो टेक्नो हैट पहनी है भाई, जहां से भी रिस्पाइट मिल रहा है बताओ मुझे, 13-14 रुपए नीचे चल रहा है मेरी बाइंग से। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून आशीष। देखा जाए तो अभी तो थोड़ा वीक ही लग रहा है ये, और माइट बी अ पॉसिबिलिटी है कि ये एक बार 32 तक के भी लेवल्स नीचे में टच करे। सो मेरे हिसाब से लेकिन लॉन्ग टर्म ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो मार्केट खराब है, तो अभी तो आज तो शायद जितने भी स्टॉक डिस्कस होंगे मोस्टली सभी डाउन होंगे। बट मैम लॉन्ग टर्म का होराइजन रखते हुए आपको होल्ड करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस के तौर पे आप चाहें तो एक बार 30 का लेवल रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस दे रही हूँ लेकिन मार्केट खराब है इसलिए थोड़ा डीप स्टॉप लॉस ही देना पड़ेगा। तो 30 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो बने रहे लेकिन थोड़ा वीक हो रहा है स्टॉक, तो उसका जरूर ध्यान रखें। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसको होल्ड रखना है 30 के स्टॉप लॉस के साथ। तेजी के लिए एक बार को जो लेवल पार करना होगा वो 41 का होगा, 41 के ऊपर गया तो पहले तो हमें 45, और उसके बाद मुझे लगता है कि आपकी कॉस्ट प्राइस भी देखने को मिलेगी जो कि अराउंड 51 के आसपास है। पर समय लग सकता है, आपकी पोजीशन को एटलीस्ट 3 से 4 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बने रहें स्टॉप लॉस के साथ। 30 का स्टॉप, होपफुली आपके बाइंग लेवल्स के आसपास इवेंचुअली पहुंचे। फॉर द टाइम बीइंग कविता मैम होल्ड करेंगे। जयपुर से गुंजा जैन स्क्रीन्स पे। गुंजा मैम, गुड आफ्टरनून। गुंजा गुड मैम, आफ्टरनून। आप कितने समय से शेयर बाजार से और कैसे स्टॉक चुनते हो आप? बेसिकली सीएनबीसी आवाज देख के सिलेक्ट करते हैं, हाँ, तो मतलब तो बस आवाज अभी के जितने स्टार्ट किया। दिन भर में तो बहुत कॉल आते हैं आवाज में, फिर कैसे डिसाइड करते हो, कैसे फिल्टर करते हो आप? वो थोड़ा हस्बैंड भी गाइड करते हैं तो साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं। तो मतलब फिर क्या होता है, मतलब आप लोग सीएनबीसी आवाज में जो कॉल्स पैनल दे रहा होता है वो लिख लेते हो और फिर उसके बाद हस्बैंड आप मिलकर डिसाइड करते हो, ये अच्छा हाँ नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है, ऐसा? फिर थोड़ा उसको सर्च भी करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के लिए कर रहे होते हो कि ट्रेडिंग आइडिया होता नहीं है? बेसिकली स्ट्रेटेजी है कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने का रहता है। हाँ, तो ठीक है। अच्छा गुंजा मैम, तो अब तक की स्ट्रेटजी पे ऑफ कर रही है, कमाई हो रही है? नहीं अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो मार्केट ही पूरा नहीं, मतलब ओवर अ डाउन पीरियड है। ऑफ टाइम जब से कर रहा था तब से हो रही थी कमाई, नेट नेट कमाई हो रही नहीं है? कभी हुई है, कभी लॉस भी हुआ है। जब लॉस हुआ है तो फिर होल्ड कर लिया उसको, बाकी लॉस भी हुए हैं क्योंकि हमने पहले क्या है, हम फ्यूचर में चले गए थे, एफएनओ करने लगे थे, उसमें काफी लॉस हुए हैं, तो फिर हमने डिसाइड किया वो छोड़ के अब शॉर्ट टर्म के इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और एग्जिट करेंगे। गुंजा मैम, पहला सवाल,
मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज है, 200 शेयर्स हैं 487 पे। और ये भी ट्रेडिंग वाला था जो फंस गया मामला? नहीं, ट्रेडिंग नहीं था, बेसिकली लिया था कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे, बट अभी तो डाउन ही है तो है। फिर ट्रेडिंग ही। शॉर्ट टर्म मतलब क्या हुआ गुंजा मैम? कितना समय आप लोग अंदाजन रुकने का मन बनाते हो? आरती में जब उतरे थे तो कितने समय के लिए? दो तीन चार महीने। तो ट्रेडिंग ही है, ले देखे पोजिशनली आप रखते हो स्टॉक्स को, मुनाफा आता है तो निकल जाते हो। यहाँ पे मामला गड़बड़ा गया, 50 रुपये नीचे चल रहा है, आज तक क्या करें आरती में? जी बिल्कुल, देखिए आरती की अगर हम बात करें, आरती इंडस्ट्रीज की, तो वही मैंने जो बोला था, चार्ट्स तो अभी सारे ही डाउन है, तो ये भी वीक ही लग रहा है। सो फंडामेंटल आरती हेड पहन इंडस्ट्रीज, लो, लेकिन आरती मैम फंडामेंटली कैसा है? देखिए फंडामेंटली यहाँ पे ठीक ही लगता है, थोड़ा सा मार्जिन्स में हमने देखा था, थोड़ी सी वीकनेस तो थी मार्जिन्स में, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखे तो फंडामेंटल्स में शायद मार्जिन्स आगे जाते हुए मुझे लगता है कि ठीक होने चाहिए, और इसी वजह से मैं यहाँ पे होल्ड की रेटिंग देना चाहूंगी। तो अभी तो मैम होल्ड रखें, फंडामेंटली ठीक ठाक है, फंडामेंटल में अभी बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये ठीक लग रहा है, और इसीलिए आप बने रहें। अगर मैम आप बने रहेंगे तो एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, जो कि तकरीबन आता है यहाँ पे मेरे हिसाब से बढ़िया स्टॉप लॉस, तो थोड़ा सा 420 के जोन में है, छोटा ही स्टॉप लॉस है, या तो 420 के जोन में स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, वो ट्रिगर होता है तो पार्शियली एग्जिट करें। और बाकी इसमें जब भी तेजी आएगी तो मेरे हिसाब से एक बार 475 के ऊपर ही चलने लगा तो फिर से ये तेजी लौटेगी। आपकी कॉस्ट प्राइस बहुत दूर नहीं है मैम, तो मेरे हिसाब से इसीलिए छोटा स्टॉप लॉस में दे रही हूँ ताकि बड़ा नुकसान ना हो। तो आप 420 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, ट्रिगर होता है तो पार्शियली एग्जिट करने का ट्राई करें। अहमदनगर जा रहा हूं, महाराष्ट्र, भारती जी स्क्रीन्स पे। भारती मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मैम पहला सवाल कौन सा आपका? सर मुझे शीश इंडस्ट्री के बारे में पूछना था, मैंने 68 पे लिया था 50 क्वांटिटी, तो उसमें अभी मैं क्या करूं, अब गिरते ही जा रहा है वो। शीश इंडस्ट्रीज, ये हमारे एडिट नहीं है डायरेक्टर साहब? नहीं मेरे ख्याल से एडिड ही नहीं है हमारा स्टॉक। ये शीश इंडस्ट्रीज कहां से आया था भारती मैम, आइडिया? सर यूट्यूब के चैनल फॉलो करती हूँ तो उससे दिखा था। हाँ तो अब तक फॉलो करते तो सारे स्टॉक कमा के दे रहे थे, ये गड़बड़ हुआ है या सारी गड़बड़ हो गए? नहीं सर, अभी थोड़े फोर लॉस में हूँ, बर बहुत ज्यादा लॉस में है, कुछ कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट में भी है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती हूँ तो प्रॉफिट अच्छा है। ये यूट्यूब चैनल का आइडिया कहां से आया था? आप खुद ही ढूंढ ढूंढते पहुंच गए थे किसी यूट्यूब चैनल पे? खुद ही ढूंढती हूँ सर। तेरी तरीका थोड़ा सा रिस्की है, अपन उस आदमी को जानते भी नहीं जो स्टॉक आइडियाज दे रहा है। के आज तक अभी शीश, मेरे को तो शुरू में लगा था जब प्रोड्यूसर साहब ने दिखाया कि शीश इंडस्ट्रीज है, तो मैंने कहा कुछ ऊपर का अक्षर भूल गया डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब, आशीष होगा कुछ, शीशी कुछ तो कुछ होगा, लेकिन ये शीशी है। शीश इंडस्ट्रीज का क्या करना है? देखिए ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में है ये ओके कंपनी, और जहां तक मैं देख पा रही हूँ इनके जो फाइनेंशियल्स थे वो तो ईयरली तो ठीक ठाक थे, क्वार्टरली जो अभी फाइनेंशियल्स आए थे उसमें दम नहीं है मैम, उसमें डी ग्रोथ आई है, 12% की नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ आई है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 1,80,00,000 का ही कुछ प्रॉफिट दिखाया है September 23 के क्वार्टर में, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउन है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर जहाँ के 2 करोड़ का प्रॉफिट था। तो छोटी कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है ये, और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में ये लोग काम करते हैं। शीश इंडस्ट्रीज के अब मैं टेक्निकली अगर बात करूं, क्योंकि फंडामेंटल तो जो मैं देख रही हूँ वो ठीक ठाक ही लग रहा है, डेट भी कुछ हैवी नहीं है, लेकिन टेक्निकली मैम शीश इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा हम लोग भी ट्रैक नहीं करते, तो मेरे पास भी यहाँ पे मुश्किल हो रही है ट्रैक करने में इसको। शीश इंडस्ट्रीज में टेक्निकल चार्ट्स मैम अभी तो थोड़े वीक लग रहे हैं, इसको जो सपोर्ट आया है वो 99 के लेवल पे है, क्योंकि जो 99 है वो 50 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो अभी ये थोड़ा सा वीक हो सकता है, लेकिन 99 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप रिस्क ले सकते हो तो होल्ड करो, नहीं तो आप निकल जाओ, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा काउंटर नहीं है, मिड कैप्स में है अभी बड़ी सेलिंग, तो रिस्क लेना है तो होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क नहीं लेना है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। पर इस केस में लकी है, 68 पे लिया हुआ है, अभी भी 112 पे। जिसने भी रिकमेंड करा था, खैर हम लोग तो ट्रैक नहीं करते ना, आस्था ही इवन करती है, पैसा बना गया है। पर ध्यान रखिएगा फिन इन्फ्लुएंसर्स को लेकर, रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है, ऐसे यूट्यूब पे सर्च करते करते मत पहुंच जाइए, काफी सारे धांधली के इश्यूज सामने आते चले जा रहे हैं, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, अप्रोच गड़बड़ है ना।
ध्यान रखिएगा मैम, पैसा अपना है। कविता मैम अगला सवाल। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पीएनबी बैंक पे है, मेरे पास 335 शेयर्स हैं 79.50 के रेट से। पीएनबी डायरेक्टर साहब, और ये भी ये कविता मैम लॉन्ग टर्म के लिए है कि ट्रेडिंग वाला है? नहीं सर, ये भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए था। आज सारे सवाल वो उठा रहे हो आप जो स्विंग ट्रेडिंग वाले फंस गया मामला है ना, ऐसा मानू? बाकी पोर्टफोलियो में कई सारे स्टॉक्स हैं जो बेहतर कर रहे हैं। राइट सर, ठीक है। डॉटर आपके पीछे? यस सर। हाय कीजिएगा उसको हमारी तरफ से। भाई पीएनबी आज था 11 रुपए खरीद से नीचे। जी बिल्कुल, देखिए पीएनबी तो अभी वीक ही लग रहा है, ऑल्दो कंपनी ने यहाँ पे काफी एफर्ट्स लिए हैं अपने असेट क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, पूरा फोकस भी किया है डिजिटलाइजेशन की तरफ, लेकिन मार्केट्स खराब है। बैंक निफ्टी हम भी देख रहे हैं कितनी वीक है, तो उसका यहाँ पे खमियाजा ये स्टॉक भी भुगत रहा है। मेरे हिसाब से अभी और ये वीक होगा। मेजर सपोर्ट अब इसको जो लेवल पे आ रहा है वो 66 है मैम। इसमें होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन मैं तो बढ़ाई दे रही हूँ 61 का, लेकिन चांसेस हाई है कि एक बार ये 66 तक आए और वहां से एक सपोर्ट पकड़ने का प्रयत्न करे अगर मार्केट्स ने इसको सहारा दिया तो। आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे 61 के स्टॉप लॉस के साथ, तेजी के लिए एक बार 73 का लेवल पार होना जरूरी है, उसके ऊपर गया तो फिर हमें एक अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे जो तकरीबन 77 से लेकर 80 तक इस काउंटर को ले जा सकते हैं, लेकिन समय लगने वाला है 2 से 3 महीने का। गुंजा मैम अगला सवाल। मेरे पास LIC इंडिया के 20 शेयर्स हैं 653 पे। चलिए आपकी खरीद तो बेहतर है, हम तो सब बहुत सारे लोग आईपीओ में फंसे हुए हैं, कितनी सारी क्वेरीज आती थी, आपकी क्वेरी तो 650 रुपए की है, आज तक फिर भी लॉस ही हो रहा है 50 रुपए का। LIC क्या करें भाई? देखिए यहाँ चार्ट ज्यादा वीक पोजिशन में है, ये थोड़ा और ज्यादा नीचे जाएगा, इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक बार 570 तक जाने का भी ये एक कोशिश कर सकता है, तो मैं तो सलाह यही दूंगी कि LIC में पार्शियली तो थोड़ा सा एग्जिट करें और रिमेनिंग को होल्ड करें। स्टॉप लॉस चाहे से तो ये लगा सकते हैं 550 का। भारती मैम अगला सवाल शीश के बाद। सर राजू इंडस्ट्री के बारे में मुझे पूछना था, 33/100 क्वांटिटी ली है, अभी 107 पर है, तो क्या करें उसमें, स्टॉप लॉस कहां से कहां पे लगाएं? राजू इंडस्ट्री, राजू इंजीनियर्स है ना ये? राजू इंजीनियर्स 108 पे चल रहा है, सही कह रहा हूँ, 107-108, 302 पे लिया हुआ है, यहाँ मामला गड़बड़ा गया। ये भी फिर किस यूट्यूब चैनल? सर 33 पे लिया है। कितने पे? 33 पे। अरे इसने भी लगा दिया पैसा 3 गुना, सही यूट्यूब चैनल पे पहुंच गए आप तो। भाई ये राजू इंजीनियर्स आप ट्रैक करते हो? माफ करिए आशीष, इनफैक्ट मेरे तो ये चार्ट्स पे भी नहीं आ रहा है। RAJOO। ओके, हाँ यू वाला राजू नहीं है ये? यस यस, ये अभी आया चार्ट पे, एक तरफा यहाँ पे हमने चाल देखी है तेजी की। मैम देखिए आपने जिस तरह के स्टॉक्स लिए है ना, उसमें आप थोड़ा थोड़ा तो प्रॉफिट बुक ही कर लीजिए, मार्केट भी खराब है और मिड कैप्स की हालत ज्यादा खराब है। ऑल्दो जो ये राजू इंजीनियर्स है इसकी तो बैलेंस शीट ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि डेट तो कुछ खास लग नहीं रहा है, देखिए बैलेंस शीट के ऊपर तो यहाँ पे डेट वाला मामला इतना कुछ है नहीं, और मेरे हिसाब से इसके फाइनेंशियल्स भी ओके हैं, लेकिन मार्केट अभी खराब है, तो मैं तो इन्हें सलाह दूंगी कि थोड़ा सा जरूर प्रॉफिट बुक करें। सो मैं राजू इसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की बिल्कुल सलाह दूंगी, आप चाहें तो पार्शियली एग्जिट करें, लेकिन एग्जिट जरूर करिए, मतलब प्रॉफिट जरूर बुक करिए, रिमेनिंग को होल्ड करिए 97 के स्टॉप लॉस के साथ, ट्रिगर होता है तो कम्प्लीटली एग्जिट करिए। 10 में क्या पार्शियली, 10 निकाल दें अब तो बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, 32 का 108 है ही है, ऐसे बाजार में रिस्क क्यों लूं, क्वालिटी की तरफ शिफ्ट कर जाऊं आस्था, बेटर नहीं है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि एग्जिट तो करना ही है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चाहे तो ज्यादा, ठीक बात समझ गया, ज्यादा लक को स्ट्रेच नहीं करने का, बढ़िया। आपने दोनों स्टॉक जो मेंशन करे ट्रैक ही नहीं करते हमारे एक्सपर्ट्स, जिनमें आपने पैसा लक के लिए बना रखा है, बढ़िया बना रखा है, मुनाफा बांधेंगे, और अब वो खैर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कोई हो तो उससे बात करिएगा, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मुनाफा बांध लेना चाहिए और थोड़े से बेहतर पेडिग्री के स्टॉक जो है ना उसकी तरफ आप मूव करिए इस पैसे को, ये समय बाजार में बिल्कुल सही टाइम है, कई सारे बढ़िया पेडिग्री के स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं, तो चाहिए तो यहाँ से मुनाफा बांध के वहाँ मूव करिए। चलिए भाई इस नोट पर
कविता जी, गुंजा मैम, भारती मैम, थैंक यू सो मच, आप सब जुड़े इस प्लेटफॉर्म पे सीएनबीसी आवाज पे अपनी क्वेरीज रेज करी। आस्था, थैंक यू, सारी क्वेरीज बढ़िया तरीके से सॉल्व करनी।